हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज़, कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, सो सॉरी फॉर दैट, बट कोशिश करूँगी अब आगे आपको वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट के रिगार्डिंग। देखिए, सी टेट का एग्ज़ाम आ रहा है। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि उन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था, उनके 2-3 मार्क्स से एग्ज़ाम क्लियर होना रह गया। जैसे कि आपको पता ही है, 90 मार्क्स हमें इसका क्लियर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हमारा जो 90 से अबव मार्क्स ही है, मतलब हम ये टेट को क्लियर करके जाएं, ठीक है। तो आज हम उसी की स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, जो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी यूज़ की थी, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गए थे दोनों पेपर, पेपर वन एंड पेपर टू। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सी टेट में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दैट इज़ ऑफ 30 मार्क्स। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट 15 मार्क्स का आता है, पेडागोजी 15 मार्क्स का आता है, बट एग्जैक्ट ऐसे नहीं आता। जो इसकी प्रॉपर डिवीजन है वो आपको इनके cetet.nic.in, ये इनकी साइट है, उसके ऊपर जाकर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। एक एक इन्होंने टॉपिक, एक इन्होंने चैप्टर सब मेंशन कर रखा है, कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आती हैं, ठीक है, सब डिवीजन कर रखी है। उसके बाद लैंग्वेज वन है 30 मार्क्स की। अब लैंग्वेज वन जो है वो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। आपको दो लैंग्वेज चूज़ करनी होती हैं। लैंग्वेज वन में 15 मार्क्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री आती है। अब वो डिपेंड करता है, 10 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, 5 मार्क्स की पोइट्री आती है, या दोनों इक्वल 8-8 मार्क्स के आते हैं, वो डिपेंड करता है, उसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है। बट डिवीज़न ऐसी होती है, इसमें वो ग्रामर नहीं आती है कि जो कि आपको जिससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर साइनोनियम एंटोनियम ऐसे नहीं आते हैं। जो आता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलता जुलता ही आता है, ठीक है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक ग्रामर को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पोइट्री सारे ही कर दीजिए, तो बहुत ही सही रहेगा। नेक्स्ट इज पैडागोजी आती है 15 मार्क्स की, ठीक है। और नेक्स्ट इज लैंग्वेज टू भी आपके पास 30 मार्क्स की आती है। आपको दो लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश, पंजाबी, पंजाबी, हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, संस्कृत, मराठी, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री सेम जो लैंग्वेज वन में आता है वही लैंग्वेज टू में आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पोइट्री 15 मार्क्स की और 15 मार्क्स का पैडागोजी, इस तरह से डिवीज़न होती है। उसके बाद आ जाता है पेपर टू में, मैं पेपर टू की बात ही करूँगी आज। तो एक आ जाता है SST या फिर मैथ एंड साइंस। मैथ एंड साइंस कंबाइंड सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब दोनों और मतलब या, और हम चॉइस के लिए चूज़ करते हैं। तो या तो आपको SST करना पड़ेगा या फिर आपको मैथ और साइंस दोनों कंबाइंड लेने पड़ेंगे। तो दोनों क्या होते हैं, 60 मार्क्स। SST अकेले ही लेते हो तो वो 60 मार्क्स की आएगी, और अगर मैथ और साइंस लेते हो तो दोनों 30-30 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंटेंट भी आता है और इनकी पैडागोजी भी आती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ जाता है 15 मार्क्स का, सब्जेक्ट पैडागोजी 15 मार्क्स की ईच सब्जेक्ट में। सिर्फ ये मैंने मैथ और साइंस की बात की है। SST में क्या होता है, वही आप पैडागोजी और उसके कंटेंट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास 150 होते हैं, जिसमें कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है 90 मार्क्स लेना, क्योंकि 90 मार्क्स वाले को भी क्लियर ही माना जाता है, ठीक है। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स करते हैं तो 90 प्लस 60 हो गया, कि आपको 90 तो क्लियर करने के लिए ज़रूरी चाहिए ही चाहिए, आगे है प्लस 60, वो आपकी कैपेबिलिटी आती है। अब आप जो स्ट्रेटेजी बनाओ वो इस तरह से बनाओ कि आपके 90 में से 1 मार्क्स भी कट ना हो, मतलब कि आप 90 आपको ज़रूरी चाहिए तो आप स्ट्रेटेजी बना के जाओ 110 की, ठीक है। अगर आप 110 की स्ट्रेटेजी बना के जाते हो कि हमने इतने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और बाकी के जो 40 हैं वो हम 100-100 भी कर लेंगे तो भी चल जाएगा, कि 110 से 120 आ जाए बट 110 से 80 ना आए, तो हमने उस तरह से इसकी प्रेपरेशन करनी है। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो पहले कि 90 तो हमें चाहिए ही चाहिए, ऊपर के 60 मार्क्स। अब उन 90 मार्क्स में आप क्या क्या कवर अप करोगे कि आपका पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमने वो चीज़ देखनी है। अब देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, मैं पहले ही बता देती हूँ, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर बच्चे को अपना पता होता है कि वो किस चीज़ में बेस्ट है, ठीक है। उस चीज़ में हम ये किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, कोई पैडागोजी में बहुत अच्छा होगा, कोई कंटेंट में बहुत अच्छा होगा, बट आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपका एग्ज़ाम छूटे नहीं, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है, जिसमें आप वीक हो उसको धीरे धीरे कवर अप करना है। नोटिफिकेशन आने वाली है सीटेट की, बहुत जल्दी आ जाएगी और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा, तो आप इसकी स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाकर ही तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज वन की, जिसमें कि पैडागोजी आती है 15 मार्क्स की।
लैंग्वेज टू में भी 15 मार्क्स की आती है। तो अगर आप पैडागोजी पैडागोजी कर लेते हो तो आपके यहाँ से 30 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सब्जेक्ट पैडागोजी की, जैसे मैथ की भी पैडागोजी होती है, साइंस की भी पैडागोजी होती है, तो 15-15 मार्क्स की वो आ गई। अब जब आपने ग्रेजुएशन मैथ साइंस में की है तो आपका कंटेंट तो अच्छा होगा ही, राइट। तो आपको कंटेंट भी ध्यान में रख के चलना है। अभी सिर्फ हम 90 मार्क्स की बात कर रहे हैं कि आप 90 मार्क्स किस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट इज CDP, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स की। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बट ये जो अगर आप अकेला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो तो इससे आपके लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू और किसी हद तक सब्जेक्ट पेडागोजी भी कुछ हद तक कवरअप हो जाती है, क्योंकि पैडागोजी के मेन कंसेप्ट सेम होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट थोड़े से क्वेश्चन का वे चेंज हो जाता है बट कंसेप्ट सेम रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का जो कंसेप्ट है उसके एक एक कंसेप्ट को अच्छे से करके जाओ, ठीक है। इससे आपकी पैडागोजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर में भी यही अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन कई बार बहुत ईजी आते हैं, कई बार ट्रिकी आते हैं, बट अगर आप पैडागोजी कंसेप्ट अच्छे से कर लेते हो तो आपके 30 मार्क्स सीधा यहीं से फाइनल हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल हो जाता है हमारे पास 90 मार्क्स। अब अगर देखा जाए ना तो 90 मार्क्स में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी प्लस पेडागोजी यही आ जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को डेली रिवाइज करो, डेली इनके MCQs करो, डेली इनके क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपके 90 मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बट हमने तैयारी 110 की इस तरह से करके जानी है कि हमें 110 तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर तो हमारा कैपेबिलिटी है, चाहे 120 आए, चाहे 145 आए, चाहे 150 ही आ जाए, ठीक है। तो अब कौन से बचे, जो नेक्स्ट 60 मार्क्स बचे उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए लैंग्वेज वन में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पोइट्री। अब ये आप चाहो तो डेली ही एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक पोइट्री को सॉल्व कर दो, कितना टाइम लगेगा। अब 20 मिनट अगर आपको लग रहे हैं तो आप उसको 10 मिनट्स में लेकर आओ, अगर आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं तो उसको 15 मिनट पर लेकर आओ। वो कैसे होगा जब आप डेली करोगे, तो इससे आपके 15 में से 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है, 10 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। सेम लैंग्वेज टू में आप कर लो, उसमें भी 15 मार्क्स की रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री आते हैं, 15-15 मार्क्स आपके पैडागोजी में हो गए, यानी यहाँ पर आप 30 में से 22 के करीब आराम से ला सकते हो, एक एक सब्जेक्ट में बता रही हूँ, लैंग्वेज वन में। तो इस तरह से करके आप सेक्शन को डिवाइड कीजिए, किसमें कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है और आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपके मार्क्स वहाँ से कट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैथ एंड साइंस, दैट इज पैडागोजी भी आ जाती है और कंटेंट भी आ जाता है। मैथ साइंस के कंटेंट में भी अगर आपने ग्रेजुएशन में किया है मैथ्स और साइंस, और अगर SST भी किया है तो सेम उसी में भी आपने SST में ग्रेजुएशन की है तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी रिविजन करनी है या फिर प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना है, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप डिविजन करके चलोगे ना तो आपके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत कम टाइम है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है, हमें रिवीजन करनी है, बिकॉज आपको सिलेबस पता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने अपने टाइम को बांट रखा है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी की थी। आई एम अ मदर ऑफ टू डॉटर्स, सो मेरे पास इतना काम होता है कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती थी, ठीक है। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, अब मैं आपको वो बताती हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मैं ये डेली करती थी, चाहे मेरे को रात को 11 बजे बैठना पड़े, चाहे सुबह के 3 बजे बैठना पड़े, बट ये मैं डेली पढ़ती थी, ठीक है। तो आपके लिए भी ये है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो कंसेप्ट है वो आप डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, जो भी है, बट आपने डेली CDP का कुछ ना कुछ करना ही करना है, ठीक है। चाहे आपको कंसेप्ट ही रिवाइज करना है, कोई थ्योरी रिवाइज करनी है, चाहे आपको इनके MCQs सॉल्व करने हैं, चाहे आपको इनके प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, या कुछ भी करना है, बट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक कंसेप्ट डेली करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री, वो मैं अल्टरनेट डे पे करती थी, जैसे कि मंडे को किया है तो उसके बाद वेडनेसडे को करती थी। जो नेक्स्ट डे आता था ट्यूसडे का बीच में, उसमें मैं पैडागोजी करती थी लैंग्वेज की ही। मैंने मैथ और साइंस लिया था तो मैं इसकी पैडागोजी, मैथ साइंस की पैडागोजी मैं डेली ही करती थी। रीज़न कि जो मैथ के क्वेश्चंस होते थे वो इतने लेंथी कई बार आ जाते थे कि हमारे पास टाइम नहीं बचता था कि हम पूरा पेपर सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मैंने इनकी पैडागोजी पे खास ध्यान दिया था कि 15 मार्क्स की जो पैडागोजी है उसमें मेरे मार्क्स कट ना हो, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना होता है एग्जाम के टाइम पे। नेक्स्ट इज इंग्लिश एंड हिंदी, अब ये मैं अल्टरनेट डे पे करती थी, बिकॉज मंडे को मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री रिवाइज की है दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों लैंग्वेज की, तो ट्यूजडे को मैंने इंग्लिश और हिंदी का कंटेंट किया है, ठीक है। फिर वेडनेसडे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड थर्सडे को इंग्लिश एंड हिंदी का
कंटेंट, इस तरह से ऑल्टरनेट डे पे करती थी ताकि मेरी कॉम्प्रिहेंशन पर भी टाइम ड्यूरेशन का मैं अंदाज़ा लगा सकूँ कि मेरा कितना टाइम में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अब मुझे ये अपना टाइम डिवीज़न करना आसान हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइमिंग पे कि मेरे को कितना टाइम किस कंटेंट को देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने किया था सब्जेक्ट कंटेंट, वो मैं डेली थोड़ा थोड़ा करती थी। अब इसका क्या होता था कि कभी मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं क्या करती थी, मैथ का कोई भी एक 10 सम कर लिए। मेन यही नहीं था कि आपको, देखो हमने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, प्लस टू तक हमने पढ़े हैं तो काफ़ी हद तक हमें याद थे, बट बात होती है स्पीड बनाने की कि हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए। ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये भी आती है कि पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा तो मैथ का पोर्शन पूरा रह गया, मैथ करने लग गए जी हमारी हिंदी रह गई, है ना। तो सबसे पहले CDP, सेकंड इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में 10 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, पोएट्री पर आ जाइए। टाइम ड्यूरेशन का खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में थर्ड मैथ या साइंस, ठीक है, इनको आप सबसे एंड में लेकर जाइए। सो दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी दैट आई फॉलोड फॉर क्लियरिंग द सीटेट पेपर, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था। और एक फर्स्ट पेपर में मेरे, मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइम क्लियर किया था उसमें मेरे 100 मार्क्स आए थे और सेकंड टाइम में मेरे 115 मार्क्स आए थे। टू बी फ्रैंक, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी भाई, इतने आए थे तो आए थे बट क्लियर था। ठीक है, कोई मार्क्स ऐसा नहीं था कि मेरा रह गया था। मैंने 2 ही बार पेपर दिया था तो उसके बाद अभी मैंने दिया नहीं है, तो दोनों में ही मेरे फर्स्ट टाइम में भी क्लियर हो गया था, सेकंड में भी क्लियर हो गया था। तो आप इस चीज़ों को फॉलो कीजिए, श्योरली आपका भी क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट।